जैन साथियों, देर आए पर दुरुस्त आए, ये कहावत है। यही कहावत लागू होती है पीसीडीए पर। स्पर्श पीसीडीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है उन पेंशनर्स के लिए जो स्टेट बैंक्स के खाताधारी हैं। क्या है वो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये प्रयागराज द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। एक पर हिंदी में दिया है, उसी का भाग एक इंग्लिश में दिया हुआ है, तो दोनों के लिए सुविधाजनक है। आप दोनों से आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है ये जानते हैं। इसमें लिखा है इन्होंने, पीसीडीए पेंशन ने भारतीय स्टेट बैंक से एपीआई इंटीग्रेशन कर लिया है। स्पर्श पेंशनर जिनका पेंशन खाता भारतीय स्टेट बैंक में है, देश भर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में उपस्थित होकर अपना वार्षिक पहचान जीवन प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर सकते हैं यानी दे सकते हैं। तो सभी स्पर्श पेंशनर जिनका पेंशन खाता भारतीय स्टेट बैंक में है एवं जिनका वार्षिक पहचान यानी जीवन प्रमाण पत्र अभी तक लंबित है, उनसे अनुरोध है कि वो नजदीक की भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाकर यानी उपस्थित होकर अपना वार्षिक पहचान प्रस्तुत कर सकते हैं यानी जीवन प्रमाण पत्र आप वहाँ पर फिजिकली जाके किसी भी स्टेट बैंक की शाखा में अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं दोस्तों। तो ये एक अच्छी खबर है, इस पहल की हम सराहना करते हैं। अब इसमें एक चीज उन्होंने लिखा दोस्तों, एक टेक्निकल चीज यहाँ पर इन्होंने कहा कि स्टेट बैंक के साथ हमारा एपीआई इंटीग्रेशन कर लिया गया। तो एपीआई क्या होता है? एपीआई वह है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं टेक्निकली, यानी कि इसका मतलब है पीसीडीए की साइड और स्टेट बैंक की साइड दोनों में समझौता हो गया। आप कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो शेयर हो जाएगा, दोनों के डाटा आदान प्रदान आपस में ही कर पाएंगे। तो इसको बोलते हैं एपीआई इंटीग्रेशन, यानी सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएटरी दैट अलाउ टू एप्लीकेशंस टू टॉक टू ईच अदर, यानी डाटा को शेयर एक दूसरे के साथ वो कर सकते हैं। तो ये थी एक जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।